मेरा नाम है सर मंगू शर्मा जी, मंगू डॉन के नाम से सर मेरा नाम। मंगू डॉन कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से सर। बहुत अच्छे ना, हम प्रधानमंत्री के पीछे हम अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं, इतने अच्छे हैं हमारे लिए, गरीबी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ ही है। अच्छा क्या लगता है? सब कुछ अच्छा लग रहा है, हमको बुरा लगा नहीं कुछ, तो हम क्यों बोले हमको बुरा लगा? हम पड्डू बलोर से आए हैं। अच्छा, हाँ, हम शक्ल नहीं दे रहे, शक्ल तो हम रोज देखते हैं, मगर सिर्फ आपने हमने उनका भाषण सुनना है। हाँ, कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या दे रहे हैं। हाँ सर, सोच के रखा है, अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगेगा। क्या ऐसा क्या किया देश के प्रधानमंत्री ने जो आपको बहुत अच्छा किया? सर बहुत अच्छा किया, गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया गरीबों के लिए, इतना अच्छा किया कि इतना कांग्रेस ने 40-45 साल सरकार उसकी गई तो उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री जब से आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा आने चाहिए, दोबारा से इतनी खुशी है कि हम पता नहीं क्या करेंगे, हम लोग पता नहीं क्या करेंगे, आने चाहिए। बहुत अच्छा जो भी हमारे के लिए बहुत अच्छा है। नहीं हम नहीं देंगे। इन्हें बहुत जुल्म किए हैं, इन्हें बहुत जुल्म किया, हम नहीं देंगे। अब नहीं, अब पढ़े लिखे लोग हैं, अब नहीं बने मानेंगे, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं देंगे। मोदी जी कुछ बोल दे मोदी जी, अगर मोदी जी सुन रहे हैं क्या कहना चाहोगे मोदी जी को? मैं इतनी मुबारकबाद दूंगा हद से ज्यादा। मोदी जी को मैं यही बोलूं, जो आज तारीफ यही है, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, आपके लिए बड़ी बड़ी मुबारक है। हमारा जीवन सर कैसा हो? अज मोदी साहब ने भी गलाया वे के मिठड़िया डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, हो मिठड़िया डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ढोल नहीं उहार दे ते गल नहीं उसार दे, गल नहीं उसार दे ते बोल नहीं उहार दे, ओ जिंदन जवाब तोली तोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पल्ली गांव लगातार पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और मेरे पीछे की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी भीड़ जो है वो पल्ली गांव में साफ तौर से यहां पर देखी जा रही है, और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, और ये लोग जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पल्ली गांव जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना लंबा इंतजार था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है वो संबोधित करने वाले हैं देश को, क्या कहेंगे, कितना लंबा इंतजार था? इंतजार तो बहुत इंतजार है, सुबह से आप इधर खड़े हैं, ना जाने कब आएंगे, कब इंतजार खत्म होगा। बिल्कुल इंतजार कब खत्म होगा, कुछ बुजुर्ग लोग भी मेरे मौजूद हैं, मोदी और थोड़े ग्रां आज आ देने में कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी। कितना लंबा इंतजार रहा? बहुत, एक साल का। तो साफ तौर से और भी कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हाथों में झंडा लेके जो है वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छी गल बोला करते हैं, बुरी बोला करते, क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी आज आने वाले हैं? सर बहुत अच्छे ना, हम प्रधानमंत्री के पीछे हम अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं, इतने अच्छे हैं हमारे लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं,
बहुत कुछ ही है। अच्छा क्या लगता सब कुछ अच्छा लग रहा है, हमको बुरा लगा नहीं कुछ, तो हम क्यों बोले कि हमको बुरा लगा, हम पड्डू फ्लोर से आए हैं। अच्छा हाँ, हम शक्ल नहीं दे रहे, शक्ल तो हम रोज देखते हैं, मगर सिर्फ आपने हमने उनका भाषण सुनना है, हाँ कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या दे रहे हैं। हाँ सर, तो जब आप सुनोगे तो क्या लगता है कि जम्मू जम्मू के लिए, जम्मू के लिए कुछ सौगात दे के जाएंगे? अच्छा लगेगा, वो सोच के आ रहे हैं, हमने पहले सोच के रखा है, अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। क्या ऐसा क्या किया देश के प्रधानमंत्री ने जो आपको बहुत अच्छा किया? सर बहुत अच्छा किया, गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया गरीबों के लिए, इतना अच्छा किया कि इतना कांग्रेस ने 40-45 साल सरकार उसकी गई, तो उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री जब से आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा आने चाहिए, दोबारा से इतनी खुशी है कि हम पता नहीं क्या करेंगे, हम लोग पता नहीं क्या करेंगे, आने चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो भी हमारे के लिए बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मानी कसूर से आया हूँ, मानी रामनगर से। रामनगर से आए हैं स्पेशली मोदी जी को सुनने? स्पेशली आए। तो क्या उम्मीद क्या है कि जम्मू को क्या देखे जाएंगे? क्या पता है, हमें मिल नहीं सके हैं, वो चले गए हैं। अभी आना है मोदी जी ने, आना अभी 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 कहाँ आना है, बोलते हैं चले गए हैं, अभी आना है, अभी आना है, कोई बात नहीं, आएंगे तो देखेंगे। आप क्या, आप कहाँ से आए हैं? मैं कठुआ से। कठुआ से आया है, इतनी दूर से आप स्पेशल मोदी जी को सुनने आए हैं? हाँ, जैसे देखिए आप मोदी जी की कितनी कितनी अच्छे स्कीमें हैं, लोगों को हाउस फॉर ऑल, शौचालय जैसे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट, तो इसके अलावा कोई और तो हमें दिखता ही नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने पूरी उम्र बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। आज देखो स्वच्छ भारत अभियान, बड़े बड़े मॉल, एम्स, हॉस्पिटल, रोड बन रहे हैं, बायोटेक पार्क, और क्या चाहिए लोगों को? गरीब लोगों को छतें मिल रही है। मैं कठुआ से हूँ, कठुआ में कम से कम 1,00,000 मकान लोगों को मिला है, गरीब जनता को, जो बेचारे दहाड़ी लगा के मकान नहीं बना सकते थे। लेकिन कांग्रेस तो कहती है मोदी जी ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया, बांटने की राजनीति करती है भाजपा। कांग्रेस ने क्या किया? चोर है कांग्रेस, चोर है। कभी सुना है कभी कांग्रेस ने कोई एक भी मकान किसी को बनाया हो, या किसी को कोई शौचालय दी हो, या कोई एम्स बनाया हो? आज देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़ा एम्स बन रहा है, ये किसके लिए है? गरीब लोगों के लिए है। कांग्रेस कहती है एक मौका एक बार दोबारा से हमें दो, या कांग्रेस को मौका? नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। इनने बहुत जुल्म किए हैं, इनने बहुत जुल्म किया, हम नहीं देंगे। अब नहीं, हम पहले तो हम चलो पढ़ाई भी तो कितनी की थी, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की थी, मगर हम गांव के लोग हैं पहले थे से, अब पढ़े लिखे लोग हैं, अब नहीं बने मानेंगे कांग्रेस को, बिल्कुल नहीं देंगे। मोदी 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 जी मोदी जी मोदी जी कुछ बोलते मोदी जी, अगर मोदी जी सुन रहे हैं क्या कहना चाहोगे मोदी जी को आप? मैं इतनी मुबारकबाद दूंगा हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। मोदी जी को मैं यही बोलूंगा, तारीफ यही है, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, आपके लिए बड़ी बड़ी मुबारक है। से बातचीत करेंगे, आज मोदी जी की रैली होने जा रही है 370 के खात्मे के बाद पहली बार इतनी बड़ी रैली जो है वो जम्मू में होने जा रही है, कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बार बार यही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जब से इन्होंने 2014 के बाद आज देश देखो कितना स्ट्रांग बन गया है। पहले क्या था? पहले हमारे स्कॉटिश फोर्सेस के जवान थे, उनके पास था कुछ भी नहीं था, डंडे लेकर अपनी ड्यूटी देते थे। आज पूरी स्कॉटिश फोर्सेस पूरी अलर्ट है, आज तो बॉर्डर के ऊपर भी पूरी सेना तैनात है। माई का लाल कोई आज उग्रवादी कोई जाकर भाग कर देखे, आज कोई कहाँ है अलगावादी? रोज आए दिन प्रदर्शन करते थे, पत्थरबाजी करते थे, किसी को मारते थे, आज क्यों नहीं मारते? आज कहाँ चले गए वो? आज भी करें ना वो, अगर उनमें हिम्मत है तो करें, क्योंकि आज उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, उनके जैसा प्रधानमंत्री बार बार इस देश को मिलने वाला नहीं है। हम महबूब मुफ्ती और दूसरी जो कश्मीर नेता हैं वो कहते हैं कि 370 एक बार फिर वापस आने चाहिए। उन्होंने किया क्या? पहले देखो 1989 में हमारे कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगा कर जहां पर भेज दिया, क्या था वो? कौन सा सेकुलरिज्म था ये? हमारे कश्मीरी भाइयों को वहां से भगा कर जहां पर भेज दिया, हमारे छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया, हमारी माताओं बहनों का कत्लेआम किया, ये कौन थे? ये एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, ये सारे के सारे एकजुट होकर जो हमारे देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर है, लेकिन ऐसे किसी भी मुचब को कामयाब नहीं होने देंगे, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार यही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की सुरक्षा है वो आज मजबूत हाथों में है। आज पाकिस्तान डरा हुआ है, आज यही हिंदुस्तान था जिसको अमेरिका जो गले नहीं लगाता था, आज अमेरिका के अंदर भी उनके भाषण होते हैं, और पूरा अमेरिका पूरा इंटरनेशनल लेवल पर उस इंसान की छवि बनी है। आज
इंटरनेशनल लेवल पर आज सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम है सर मंगू शर्मा जी, मंगू डॉन के नाम से सर मेरा नाम। मंगू डॉन, कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से सर। डिस्ट्रिक्ट रियासी जी, ये डॉन कहाँ से नाम आ गया? डॉन सर बड़े प्रकार के होते हैं, मेरा डॉन लोगों ने नाम डाला है, मैं लोगों की आवाज उठाता हूँ और उठाता रहूंगा, मेरा यही काम रहा है। अभी मैं सोशल मीडिया का काम कर रहा हूँ, इससे पहले जब नहीं करता था तब भी हम लोगों की आवाज उठाते हैं, और जब भी कहीं देश में अगर कोई गलत काम कर रहा है उसकी आवाज उठाना वो डॉन। अब लोगों को क्या कहना उसमें, तो हम कुछ ऐसे तो गलत काम होते हैं डॉन, कोई किसी को लूटो तो वो डॉन होते हैं, जहाँ किसी को जाकर गोलीबारी करो, जहाँ कोई गरीब में कोई चर्स भीम गांजे का ड्रग्स का काम करें, हम लोगों की गरीब लोगों की आवाज उठाते थे। आज हम सोशल जो गलत काम करते हैं उनको मंगू डॉन, क्या मंगू डॉन नाम है करम जी, मंगू डॉन क्या बोलना चाहोगे जो गलत काम करते हैं? सर देखो हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक संविधान था, मैं अनपढ़ हूँ, शायद पढ़े लिखे लोग होंगे आपसे आपके जैसे, सबसे पहले तो आपके मीडिया का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार करना चाहिए कि मीडिया एक खतरों से खेलती है बेल्ट फोर्स के साथ साथ, क्योंकि मीडिया का भी एक बड़ा बड़ा योगदान रहा है। जब से मीडिया चल रही है तो काफ़ी हमारे जो युवा नौजवान बच्चे भी आपके आपके पास पहुँचते हैं, तो उनकी आपकी वजह से ही उनकी कुछ रोजी रोटी लगती भी और किसी की छीन भी जाती है, ये कुछ कुछ जरिए ऐसे होते हैं। लेकिन सर जो भी गलत काम हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, जहाँ जो करने वाले हैं 5% लोग हैं, 95% लोग बिल्कुल देश के प्रति प्यार है, देश के प्रति बिल्कुल उनको जागरूकता है, 5% लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर कुछ खराब करना चाहते हैं, माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जहां नशे की ओर युवा नौजवानों को लाना चाहते हैं। मेरा उनको सीधा सीधा एक ही संदेश है कि अगर हिंदुस्तान नहीं हमारे पूरे हिंदुस्तान के हर एक युवा नौजवान सभी हिंदुस्तानियों, मंगू डॉन देखो अगर मुझे लोगों ने नाम दिया है ना तो लोग ही हैं सब कुछ। जब लोग पब्लिक मेंडन देती है कुछ नेता बनकर, जहाँ मीडिया बंधु को भी अगर आपका मीडिया वाले साथ हमारे लोग बात नहीं करेंगे तो मीडिया कहाँ से चलेगी। ऐसे ही कुछ विधायक लोग जो MLA कार्यकर्ता लोग होते हैं वो पब्लिक से ही चुनकर जाते हैं, फिर पब्लिक को भूल जाते हैं। मैं उनको साफ कहना चाहता हूँ कि पब्लिक को मत बुलाओ, ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है बाबा सब कुछ जानती है, पब्लिक को मत बुलाओ। गरीब लोग जो गरीब लोगों की आवाज़ को, गरीब लोग की जो काम है उनको अगर आप सामने लाएंगे, झूठ को बेनकाब करके सामने लाएंगे, मुझे लगता है ये देश काफ़ी अभी सुझा हुआ है। जो 5% लोग हैं जो हमारे देश में कुछ खराब माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, ये बहुत जल्दी उनका भी काम होने वाला है।